नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके यह दावा किया है। सिसोदिया ने कहा है कि मेरे खिलाफ सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया को समन भेजा किया है। इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं जिनका इनमें नाम आया था। और दिल्ली का शराब घोटाला काफी सुर्खियों में रहा था क्योंकि जो आबकारी विभाग की ओर से जो नई पॉलिसी लाई गई थी उसमें बताया गया था किस तरह से करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया गया। हमारे साथ अब भास्कर मिश्रा जुड़ गए। भास्कर, क्या है आपके पास अपडेट? देखिए, शराब घोटाले में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। मनीष सिसोदिया को पहले भी जांच पड़ताल के लिए बुलाई गई थी, पूछताछ के लिए बुलाई गई थी और एक बार फिर से उनको समन किया गया है। कल उनको बुलाया गया है। मनीष सिसोदिया जिस तरह से राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या, तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। स्कूल में एजुकेशन में जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उससे एक तरह से डीरेल करना चाह रही है केंद्र सरकार। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा। जब इससे पहले विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी तो विजय नायर से कई बार पूछताछ हुई और विजय नायर से जब हमने खुद बात की थी तो उनका ये कहना था कि अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं है और बुलाते हैं, दिन भर बिठाते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। कि ठीक उसी तरह से हो रहा है। लेकिन विजय नायर की गिरफ्तारी हुई और यहाँ तक कि कल एक बार फिर से कोशिश की गई थी उनकी जमानत की, लेकिन वो याचिका भी खारिज कर दी गई और उनको जमानत नहीं मिल पा रही। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिना किसी सबूत के और बिना किसी आधार को इस तरह से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है, ये असर्टेन किया जा रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के ऊपर में हाथ डालने से पहले, उनको गिरफ्तार करने से पहले सारे सबूत जो है वो कॉन्क्रीट जांच एजेंसियों के पास पहुंच जाए, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है जांच एजेंसी। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक बार अगर ऐसा हुआ कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ ही दिनों में उनको जमानत मिल जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में इसको इस तरह से प्रचारित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सीबीआई और ईडी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर रही है और उनके पास कुछ भी सबूत नहीं है। इसीलिए कोशिश हो रही है जांच एजेंसियों के द्वारा कि बार बार तमाम जो एंगल्स हैं उनको पहले पुख्ता कर लिया जाए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी या उनसे पूछताछ उस एंगल पे होती है जब बाकी सारी जानकारी दूसरे सोर्सेज से उनके पास आ जाती है। और अब देखना होगा कि नई जो जानकारी उनके पास पहुंची है जांच एजेंसियों के पास, उसको लेके किस हिसाब से कार्रवाई वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भास्कर, एक चीज ये भी बताइए, क्योंकि जब चार्जशीट आपको याद है दायर हुई थी तो उसमें पहले चार्जशीट में नाम नहीं आया था मनीष सिसोदिया, उसके बाद भी बयानबाजी हुई थी, लेकिन बाद में फिर से जब उस पूरे मामले में तफ्तीश होती है तो फिर से एक बार नाम आता है मनीष सिसोदिया का। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या, तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, अगर आबकारी विभाग के द्वारा या कि जो आबकारी नीति बनाई गई थी जिसको लेके ये शिकायत की गई थी और एलजी के द्वारा जांच करने के लिए कहा गया, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ये दिखाया गया कि मनीष सिसोदिया के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है और ये जानबूझ के एक तरह से हुआ है और इसका फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को मिला है। अब ये देखना होगा कि किस हिसाब से उसको असर्टेन किया जा रहा है। एक चीज इसमें ये है कि मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से शराब घोटाले को बड़ा बनाने की कोशिश की गई उस हिसाब से कम जो राजनीतिक लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई, यानी बिल्कुल सिसोदिया के ऊपर में कार्रवाई हुई। लेकिन भास्कर, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि जो नई आबकारी नीति आई थी उसमें बताया गया था कि जो पुरानी आबकारी नीति से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा ही रेवेन्यू कम हो गया। तो ऐसे में साहिर सी बात है कि सवाल तो खड़े होंगे जिससे बचा नहीं जा सकता है। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।